नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड इनसाइड न्यूज और मैं बंटी विश्वकर्मा आपके साथ। किस विषय को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सब थे आगे अपना आसार जन धन्यवाद जाना है। हमें रवि यादव युवा कॉग्रेस जिला उपाध्यक्ष। आज के एक इम्पोर्टेंट इश्यू नहीं उपस्थित रही है। अपनारा जानें पोल्ट्री कलकारखाना बंद हार पर पोल्ट्री एन गरीब संख्या बढ़े गई है। से क्षेत्र में समाज जे गरीब ऐले मे आज शिक्षा हम लोग सीधी तौर पर बोले तो जो शिक्षा पाने का अधिकार सभी बच्चों का है, ठीक है। इस विषय पर हम लोगों ने डीएम को एक चिट्ठी किया था और लगातार चिट्ठी होने के बाद अच्छा शिक्षा पाने के लिए जैसे आप बोले कि सभी को अधिकार है उसके लेकर तो सरकार ने बहुत सारी सरकारी स्कूल जो है उपलब्ध करवाई है, तो वहाँ तो सभी शिक्षा ले सकते हैं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, आप अगर आपका कोई गरीब बच्चा है या कोई भी बच्चा है तो उसको सभी स्कूल में शिक्षा पाने का अधिकार है। आरटीई 2009 के नियम के तहत सभी प्राइवेट स्कूल को 25% रिजर्व रूप में रखना होगा उन गरीब बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। यानी आपके कहने का मतलब है अगर सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा अगर आप समझिए कि कोई बच्चा को ऐसा तो फील नहीं होना चाहिए ना कि मेरे फादर के पास या मेरे जो गार्जियन है उनके पास पैसा नहीं है तो हम उस स्कूल में नहीं जा सकते। नियम तो सबके लिए है और इसी नियम के तहत में डीएम सर ने कल एक प्रेस रिलीज डीएम ने कल चिट्ठी किया है। आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था इस शिक्षा को लेकर इसी नियम का पालन कराने के लिए, तो कल डीएम सर ने एक चिट्ठी दिया है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को, ठीक है। जिला जो मैं यहाँ के इंचार्ज है उनको चिट्ठी दिया है और इसके ऊपर पोल्ट्री असेंबली के तमाम प्राइवेट स्कूल जितने भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल हैं उन तमाम स्कूलों को एक नोटिस जारी किया है कि इन नियम का पालन करना होगा। उनको 25% जो बच्चे हैं उनका रिजर्व सीट करना होगा उनके स्कूल की कैपेसिटी के अनुसार। और इसके लिए हम लोग भी एक कोशिश कर रहे हैं कि तमाम स्कूलों में एक पेयर हम लोग भी करें कि हम लोग भी डीएम सर के जो चिट्ठी है डीएम ऑफिस की जो चिट्ठी है उनको लेकर हम लोग स्कूल में जाएंगे और स्कूल में बात करके उनको बोलेंगे कि ये जो 25% जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन दाखिला देने के लिए एक साधारण प्रोसेस बनाकर उनको एक आसान तरीके से, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके फैमिली में आपको भी पता है हमें भी पता है कि थोड़े कम पढ़े लिखे गार्जियन होते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल वे प्रोसेस बनाए और उनके लिए रिजर्व सीट रखें। और अगर ये कानून को फॉलो अगर वो नहीं करते हैं, अगर ये नियम का पालन वो लोग नहीं करते हैं तो इसके लिए टेक नेसेसरी एक्शन तो डीएम सर जो लेंगे हम लोग भी आने वाले दिनों में। अच्छा, आपको कैसे मालूम चला है कि 25% जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ पे बिना ई को पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग स्कूल विजिट करेंगे और स्कूल से वो डेटा भी कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे और ये तमाम हम लोग कल से ही स्कूल जाने का काम करेंगे और हर एक स्कूल में पोल्ट्री असेंबली के अंतर्गत आने वाला, अभी हम लोग पोल्ट्री असेंबली को फोकस कर रहे हैं, पोल्ट्री असेंबली के तमाम प्राइवेट स्कूलों में कल से हम लोग जा रहे हैं और उनसे एक लेटर के जरिए उनको एक रिक्वेस्ट भी दे रहे हैं और उनसे एक डिमांड भी कर रहे हैं कि आप लोग कितने गरीब बच्चों का आपने एडमिशन लिया है इसका डेटा भी हमें शेयर करें। अच्छा, मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ कुल्टी नहीं पूरे राज्य में निःशुल्क 25% बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल करवा रही हैं, तो आपको कैसे मालूम चला कि ये सभी स्कूल लोगों को विद्यार्थियों को 25% विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करवाती है निःशुल्क, कैसे आपको मालूम चला? आपको पता है हमारे यहाँ पे एक आरटीआई का एक ऑप्शन भी है जी। अगर कोई स्कूल पे हमें संदेह होगा हम लोग यहाँ से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज आपके माध्यम से हम पोल्ट्री के तमाम गरीब लोगों के और तमाम लोगों के, सिर्फ गरीब लोग नहीं, आप जो भी सामर्थ्य लोग हैं वो अपने आसपास देखें कौन से बच्चे जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बड़े स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको आर्थिक तंगी होने के कारण वो पढ़ाई और एडुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, हम उसको ले जाकर स्कूलों में देखेंगे उनका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं होगा तो उनके लिए हम लोग। आप अपना नंबर जरा एक बार बोल दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9832138701। कोई भी अगर बच्चा को किसी भी स्कूल में अगर ये बोल के अगर हटाया जाता है कि वो पैसा नहीं दे सकता है उनका फीस नहीं हो सकता है तो ये ध्यान रखे वो प्राइवेट स्कूल कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद।